दुर्ग में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद उपस्थित रहे। यूथ कांग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जो कि जिला एवं राज्य स्तर पर की जाएगी। इस कार्यक्रम में भाषण के द्वारा पार्टी के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। कार्यक्रम में क्या है ये? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कृष्णा अल्लावरु जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब प्रवक्ताओं का भी चयन भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से होगा। कोई भी प्रवक्ता जिला या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जो चुना जाएगा वो एक भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाएगा। उसे नाम दिया गया है यंग इंडिया के बोल। इसमें कुछ मुद्दे हमने डिसाइड किए हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट जैसे इश्यूज़ हों, वो डिसाइड किए गए हैं। उनमें हम गूगल फॉर्म्स के माध्यम से एंट्री मंगाएंगे और उसके बाद वो उसी के लिए उसी एंट्रीज के माध्यम से उनका चयन होगा। वो लोग भाषण प्रतियोगिता में अपनी योग्यता और काबिलियत हमें दिखाएंगे, उसके माध्यम से हम जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता अपॉइंट करेंगे। जी, विषय विशेष है, जैसे कमर तोड़ महंगाई है, चाहे लोकतंत्र की हत्या हो, चाहे कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बोलने से या बात करने से हिचकती है, ऐसे मुद्दों पर हम चाहेंगे कि देश के युवा बात करें। आयु जो यूथ कांग्रेस की 18 से 35, वही इसमें सीमा रहेगी। महिलाओं का आरक्षण भी है? यूथ कांग्रेस महिलाओं के 33% आरक्षण में विश्वास रखती है और हमारे अध्यक्ष कोको पाड़ी जी की कार्यकारिणी में 33% महिलाएं भी हैं। हम लोग जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी जो कार्यकारिणी बनाते हैं उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, तो हम चाहेंगे इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रोत्साहित करने का एक काम इसमें करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रोत्साहित होकर के आएंगी तो ज़रूर उन्हें स्थान दिया जाएगा। आयोजन किस जगह होगा? जिला स्तर के आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में हो जाएंगे, प्रदेश स्तर के आयोजन राजीव भवन शंकर नगर में होंगे और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जो है यूथ कांग्रेस के कार्यालय नई दिल्ली में होंगे। 14 नवंबर 2021 को चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर, और उस दिन राहुल गांधी जी भी इसमें शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस की तरफ से किस प्रकार का आयोजन किया जाने वाला है? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष डीवी श्रीनिवास जी के निर्देश पर पूरे प्रदेशों में, हर एक प्रदेशों में यंग इंडिया बोल कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इसका जो लॉन्च करने का उद्देश्य वो सिर्फ ये है कि नीचे स्तर पर आखिरी छोर पर जो युवा खड़ा है, जिसमें टैलेंट है, अच्छी बात करने का, अच्छा प्रेजेंटेशन रखने का और वो अच्छी एक वक्ता है, वो अपने टैलेंट, उसका टैलेंट ना दबे और उसका टैलेंट निखर कर सामने आए। नीचे से लेकर नेशनल लेवल तक वो टैलेंटेड व्यक्ति आगे आना चाहिए, उसको ध्यान पे रखकर ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम यंग इंडिया के बोल है, जिसमें युवा वर्गों को आगे आकर एक विषय दिया जाएगा और उस विषय पे अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। उसमें जो टैलेंट और टैलेंटेड लोग होंगे उनको निकल के जिला स्तर पे लाया जाएगा और जिला से फिर उनको प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश में पूरे भारत भर में स्पीच टैलेंट इंडिया का एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, जो कांग्रेसी विचारधारा के जो युवा है वो मतलब आम पब्लिक है जो आम युवा है देश भर के, वो कांग्रेस पे आस्था रखते हैं, उनका लिए एक टैलेंट का एक प्लेटफॉर्म रखा जा रहा है और उसमें जो अच्छे लोग हैं जो आएंगे छटके, जो अच्छी बोल, जो अपने अच्छे स्पीच रखते हैं, अपना भाषण करते हैं, उनको युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, प्रदेश युवा कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस के माध्यम से उनको आगे लाने का एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके तहत ये दिल्ली में कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी वी श्रीनिवास जी ने, कृष्णा अल्वेरी जी यूथ कांग्रेस के प्रभारी जी ने लॉन्च किया था। ये ऐसा करके हर जिले के हर प्रदेश में जाके इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है।